नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। हम करेंगे इन दोनों फिल्मों का कंपैरिजन और आपको बताएंगे इन दोनों में से कौन सी फिल्म ने मारी बाजी। मगर दोस्तों, उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एक था टाइगर मूवी की। दोस्तों, एक था टाइगर एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया है कबीर खान ने। और दोस्तों, कबीर खान ने इस फिल्म में बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है और इस फिल्म के लीड एक्टर्स यानी कि सलमान खान और कैटरीना कैफ ने भी इस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें बहुत ही अच्छा हॉलीवुड लेवल का एक्शन दिखाया गया है। और अगर बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट की, तो इसमें आपको मुख्य किरदारों में नजर आए थे सुपरस्टार सलमान खान, कैटरीना कैफ, रणवीर शौरी और गिरीश कर्नाड जैसे एक्टर्स। और अगर बात करें इस फिल्म के बजट की, तो दोस्तों आपको बता दें कि एक था टाइगर मूवी एक बड़े बजट की फिल्म थी। इस फिल्म का बजट था लगभग 75 करोड़ रुपए। या दोस्तों, लगभग 75 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इस फिल्म के वर्डिक्ट की, तो दोस्तों आपको बता दें कि एक था टाइगर मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। और अगर बात करें इस फिल्म के लिए रिव्यूज की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के ही शानदार रिव्यूज मिले थे और ऑडियंस का बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला था। और अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें इसने इंडिया नेट पर टोटल कमाई की थी लगभग 198 करोड़ 78 लाख रुपए, इंडिया ग्रॉस पर कमाए थे लगभग 263 करोड़ रुपए, ओवरसीज से इसने शानदार कमाई की थी और कमाए थे लगभग 57 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें इसने वर्ल्ड वाइड पर टोटल कमाई की थी लगभग 320 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 320 करोड़। और आइए दोस्तों, अब बात करते हैं वॉर फिल्म की। दोस्तों, वॉर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड पर बहुत ही धमाकेदार कमाई की है और दोस्तों ये बन चुकी है 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, हिंदुस्तान की नंबर वन फिल्म, हिंदुस्तान की नंबर वन एक्शन फिल्म। दोस्तों आपको बता दें कि वॉर एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें हमको जबरदस्त हॉलीवुड लेवल का एक्शन देखने को मिला। इस फिल्म का डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, प्रोड्यूसर है आदित्य चोपड़ा और ये फिल्म यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके स्टार कास्ट में आपको मुख्य किरदारों में नजर आए थे ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, वाणी कपूर, आशुतोष राणा जी, अनुप्रिया गोयनका और दीपान्विता शर्मा जैसे एक्टर्स। और अगर बात करें इस फिल्म के लिए रिव्यूज की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के ही बहुत अच्छे रिव्यूज मिले और ऑडियंस का बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला। और दोस्तों आपको बता दें कि वॉर फिल्म ने इस साल की अब तक की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग लेते हुए कमाए थे लगभग 32 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 32 करोड़ 50 लाख रुपए। और अगर बात करें इस फिल्म के रिलीज की, तो दोस्तों आपको बता दें कि वॉर फिल्म को 3 भाषाओं में रिलीज किया गया था, हिंदी, तमिल और तेलुगु। और इसे रिलीज किया गया था इंडिया में लगभग 4000 स्क्रीन पर, ओवरसीज में लगभग 1350 स्क्रीन पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 5350 स्क्रीन पर। और दोस्तों इसे रिलीज किया गया था 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन। और अगर बात करें इस फिल्म के वर्डिक्ट की, तो दोस्तों आपको बता दें कि वॉर फिल्म ब्लॉकबस्टर रही है। और अगर बात करें इस फिल्म के बजट की, तो आपको बता दें दोस्तों कि वॉर एक बड़े बजट की फिल्म है। इस फिल्म का बजट है लगभग 200 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 200 करोड़। दोस्तों इस फिल्म का बजट इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें जबरदस्त हॉलीवुड लेवल का एक्शन शूट किया गया था और बहुत अच्छे वीएफएक्स दिखाए गए थे। और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें कि वॉर फिल्म ने इंडिया नेट पर कमाए थे लगभग 317 करोड़ 90 लाख रुपए, इंडिया ग्रॉस पर कमाए थे लगभग 376 करोड़ रुपए, और इससे कमाए थे शानदार कमाई की थी और कमाए थे लगभग 96 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इसके वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि वॉर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड पर टोटल कमाई की थी लगभग 472 करोड़ 20 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 472 करोड़ 20 लाख। अगर बात करें इन दोनों फिल्मों के कंपैरिजन की, तो दोस्तों आपको बता दें कि रिव्यूज में ये दोनों ही फिल्में बराबर रही है। दोनों ही फिल्मों को अच्छे रिव्यूज मिले और पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और अगर बात करें एक्टिंग की, तो एक्टिंग में वॉर फिल्म ने मारी है बाजी। जी हाँ दोस्तों, वॉर फिल्म में ऋतिक रोशन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और अगर बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में ये दोनों ही फिल्में बराबर रही है। दोनों ही फिल्मों का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। और स्टोरी के कंपैरिजन में एक था टाइगर मूवी ने मारी है बाजी। जी हाँ दोस्तों, एक था टाइगर मूवी की स्टोरी ज्यादा अच्छी है। और अगर बात करें स्क्रीन प्ले की, तो दोस्तों आपको बता दें कि स्क्रीन प्ले में वॉर फिल्म ने मारी है बाजी।
दोस्तों वॉर फिल्म का स्क्रीन प्ले ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कसा हुआ स्क्रीन प्ले है जो आपको जरा से भी देर के लिए बोर नहीं होने देता है। और अगर बात करें वर्डिक्ट के कंपैरिजन की तो दोस्तों आपको बता दें कि वर्डिक्ट में ये दोनों ही फिल्में बराबर रही है, दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही है। और अब बचता है बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन, तो दोस्तों आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन में बाजी मारी है वॉर फिल्म ने। जी हां दोस्तों, वॉर फिल्म ने की है ज्यादा कमाई। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर आपने दोनों फिल्में देखी है तो आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी फिल्म है आपकी फेवरेट, कौन सा सुपरस्टार है आपका फेवरेट, सलमान खान या ऋतिक रोशन, आपको इन दोनों फिल्मों में किसका काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।